Hello guys, this is Michelle Awan and you're watching me at Runway Pakistan. So today we have a very important guest who has been serving in the field of IT and banking for over 20 years. Also, he is currently working as the general manager at the Citizens Foundation. So let's welcome Mr. Isfandiar Inayat. Hello sir, I hope you're well. Thank you for honoring us with your presence. Thank you very much, Mishal. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने शो में बुलाने का. So, sir, can you please walk us through your journey at the Citizens Foundation? मेरा जो TCF में जो ताल्लुक मेरा जो है तकरीबन 11 साल से है. मैं 11 साल से TCF के साथ एसोसिएटेड हूँ. दो साल मैंने शुरू में एज अ वॉलंटियर काम किया था. पिछले 9 साल से मैं एज फुल टाइम एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा हूँ. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स 9 सालों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल रहे हैं. सो सर, लुकिंग एट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, आपके ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपका डिसीजन बिल्ड हुआ कि आप एक एनजीओ ज्वाइन करें? एक्चुअली TCF जो है वाज नेवर पार्ट ऑफ माय प्लान, बट प्रोबब्ली इट वाज पार्ट ऑफ माय डेस्टिनी. क्योंकि मैं इत्तेफाक की बात है कि मेरे जो पिछला इदारा जिसमें मैं काम कर रहा था वहाँ पे मेरे कलीग्स उन्होंने मुझे TCF के बारे में बताया. मैंने एज अ वॉलंटियर जो है वो ज्वाइन किया उधर, और उधर फिर पता चलता रहा और कि कितना ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो TCF क्रिएट कर रहा है इन बच्चों की ज़िंदगी में. और उससे बस ऐसा ऐसा एक अपॉर्चुनिटी निकली जहाँ से फिर मैं एज फुल टाइम एम्प्लॉय जो है वो TCF मैंने ज्वाइन किया. दो साल आपने वॉलंटियरिंग की, उसके बाद अब आप जनरल मैनेजर बन गए. दैट्स अ ह्यूज टाइम डिफरेंस. और आप अभी भी यू आर स्टिल working passionately, that's a huge thing. So sir, आपके इस tenure में TCF में आपने कौन सी changes या implementations कराई हैं? सर, मैंने different projects पे काम किया है. उसमें एक strategic development unit हमारा था जहाँ पे हम low-fee private schools के साथ हमने काम किया और हम लोगों ने उनको assist किया. उससे कुछ projects हमारे निकले हैं जिसमें अब हम पब्लिशिंग हाउस बन गए हैं. किताबें जो हैं low-fee private schools के लिए जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं. उसके अलावा जो है आपका टीचर्स की ट्रेनिंग का एक हमारा प्रोग्राम जो था. अब जब लोफी प्राइवेट स्कूल की बात करता हूँ तो ये वो स्कूल जहाँ पे 1000 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए फीस है, people can not really afford it, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो ये लो इनकम अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज को सर्व कर रहे हैं. इट हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द लास्ट 30-40 इयर्स. सो एक उसको हम प्रोजेक्ट जो था वो बहुत मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था. दूसरा, हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो अडॉप्ट किए थे. इस वक्त TCF माशाल्लाह 350 गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ जो है काम कर रहा है अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस. तो हम चारों सूबों में हमने स्कूल्स गवर्नमेंट के जो है उनकी मैनेजमेंट संभाली भी है और हमने काम कर रहे हैं. तो ये पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ये काम जो है वो हो रहा है. तो उसको भी आई थिंक अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप टाइम टू टाइम एजुकेशन को भी अपग्रेड करें, करंट चीज़ों पे भी आप सिखाएं. जी जी, जो बिल्कुल जो करंट आज के ज़माने में किन चीज़ों की ज़रूरत है, तालिबे-इल्मों को हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउ दे प्ले टुगेदर द पार्ट, ये सब चीज़ें इनको भी अपग्रेड करना आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी. और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा मॉडल है. सो सर, आप मुझे ये बताएं कि जैसे TCF ने पास्ट में ऐसी कौन सी चीजें अचीव करी हैं जो आप थोड़ा सा हाईलाइट करवाना चाहेंगे सो पीपल वुड नो इट एज वेल? जी, मैं TCF का इर्तका आपको जो जेनेसिस है उसके बारे में बताऊं कि 1995 में एक ग्रुप था फ्रेंड्स का. उन्होंने कहा कि इफ यू आर नॉट part of the solution then we are part of the problem. So ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करना बहुत आसान काम है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान काम है. तो उन्होंने कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स भेजी और 5 स्कूल 1996 में उनसे आगाज किया जिसमें 700 बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे. आज अलहमदिल्ला आपको सुनकर खुशी होगी कि TCF 1833 स्कूल यूनिट्स KG से मैट्रिक जो है मैनेज कर रहा है जिसमें 280,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और मयारी तालीम हासिल करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मयारी तालीम पे बहुत फोकस है. और ये अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनके बच्चे हैं जिनको हम सर्व करें. तो ये देही इलाकों में भी हैं हमारे स्कूल्स हैं और जो आपके नो लो इनकम कम्युनिटीज शहरों के अंदर है वहाँ पे जो है हम लोग सर्व करें. सो सर, आप लोग अपने टीचर्स किस तरह से सिलेक्ट या ट्रेन करते हैं? क्योंकि आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह के स्किलफुल टीचर्स भी लें जिन्हें. तो हाउ डू यू गाइस यू नो ट्रेन एंड टारगेट द पीपल? हाउ टीचर ट्रेनिंग जो है ना मिसाल, हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं.
सो हमारी प्री सर्विस ट्रेनिंग भी होती है, प्री सर्विस से ज्वाइन करने से पहले भी जो है वो ट्रेनिंग होती है, फिर इन सर्विस ट्रेनिंग होती है 100 आवर्स की हमारी होती है, उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। उसके अलावा हमारा जो है प्रिंसिपल्स अकेडमी होती है, जिसमें लीडरशिप के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग जो है वो हम लोग कराई जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए उसके ऊपर ट्रेनिंग हमारे यहाँ कराई जाती है। और एक और चीज़ जो मेरे ख्याल से शायद ही चंद इदारों में हो, वो ये कि हम टीचर कंटेंट टेस्टिंग भी करते हैं। तो हमारा टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट पे हर साल उस टीचर को जो है वो टेस्ट देना पड़ता है, और बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट्स हम फिर मजीद ट्रेनिंग जो है वो डेवलप करते हैं। दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड अमेजिंग थिंग व्हिच यू गाइस आर डूइंग, क्योंकि आजकल बाकी चीज़ों में लोग ट्रेंड हॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में भी करना आई थिंक दैट्स अ मस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। सो आप मुझे अभी करंट सिचुएशन के हवाले से लेट्स टॉक अबाउट दैट, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ अस वी हैव टू प्ले द पार्ट टुगेदर। अभी हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मोस्टली आप देखें सिंध है, हमारा के पी के है, बलोचिस्तान है, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, तो उसके लिए हाउ TCF इज कंट्रीब्यूटिंग? हमारा जो है वो हमेशा से ये रहा है कि 2005 का जिलजिला हो या 2010 के सैलाब था या कोविड की सिचुएशन थी या अब जो ये कैलामिटी आई है, तो हम लोग जो है वो तीन फेजेस में जो है वो काम कर रहे हैं। एक तो ये कि हम 1 मिलियन मील्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 5 से 6 लाख मील्स जो है हम ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और अब हमारा इरादा है कि 1 मिलियन से उसको शायद हम 3 से 4 मिलियन पे ले जाएं। नंबर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। दूसरा फेज में जो है रिहैबिलिटेशन का है, क्योंकि इतने हजारों की तादाद में घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बिल्कुल मनदम हो गए हैं वो, तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए तो हम जो है वो अभी शुरू में इरादा हमारा 5,000 फैमिलीज को था कि हम उनको जो है वो हेल्प करेंगे ताकि वो रिहैबिलिटेट कर। तो सर आप लोग जैसे एजुकेशन के हवाले से भी इसमें कुछ कर रहे हैं अभी? जी, फिर तीसरे फेज में जो है वो फिर हमारा है, हमारे तकरीबन 120 के स्कूल जो है वो पार्शली या टोटली डैमेज हुए हैं, सो उनकी रिहैबिलिटेशन भी है, और हमारे जो स्कूल्स हैं इस वक्त शेल्टर का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो आके अभी इस वक्त शेल्टर दिया हुआ है, तो वहाँ पे उनको भी शेल्टर भी दिया हुआ है, और फिर उनकी रिहैबिलिटेशन जो है उसका काम भी जो है उसके साथ साथ करना है, और फिर स्कूलों को दोबारा से आबाद करना है, बिकॉज एजुकेशन कैन नॉट वेट, वी कैन नॉट सिट एंड सी व्हाइल दीस फ्लड्स रॉब द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमें बैठ के जो है वो उसको नहीं देख सकते, तो हमें इसको वॉरफुटिंग बेसिस पे जो है बिल्कुल वी कैन नॉट वेट फॉर इट टू गेट यू नो मोर वर्स, वी शुड फाइट अगेंस्ट इट। क्योंकि हजारों की तादाद में स्कूल भी बर्बाद हुए हैं इन सैलाब के वजह से। तो सर अभी आप लोग किसी स्पेसिफिक रीजन या फिर हमारे स्टेट पे आप लोग किसी पे फोकस आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है? जी, हमने स्टार्ट क्योंकि सबसे ज्यादा डेविस्टेशन सिंध और बलूचिस्तान में हुई है, तो हम सिंध और बलूचिस्तान से जो है हमने स्टार्ट किया है, और अभी फिलहाल हम जो है पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स के साथ मिलकर और कुछ प्राइवेट इदारे के साथ मिलकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो कर रहे हैं। Okay, that's amazing. So, sir, I would like to conclude our interview with this. कि आप कोई ऐसा message कि how people can contribute their part, how they can help along with TCF's contribution. किस तरह लोग अपने donations दे सकते हैं, किस तरह आप लोग किस मदद कर सकते हैं? जी, आप कोई message जो हमारी audience को देना चाहिए? बिल्कुल, मैं मेरी गुजारिश सबसे ये होगी कि दिल खोल के अपनी zakat, अपने सरकार जो हैं दें, be as generous as possible. बिकॉज एक बहुत बड़ी कैलामिटी है और लाखों लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है। सो हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हैं, या आप हमें 111-823-823 पर कॉल करके अगर चेक या कैश कलेक्ट करवाना है तो 5,000 से ऊपर की जो भी रकम है वो आपको कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, आप या कहीं भी आप हैं पाकिस्तान में, आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और दुनिया भर में अगर कहीं भी हैं तो हमारे लिंक पर हमारे www.tcf.org.pk पे जाएं और वहाँ पे आप डोनेट करें। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इस वक्त मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए देख रहे हों या पाकिस्तान से बाहर देख रहे हों। ओके, थैंक यू सो मच सर, इट मैटर्स अ लॉट दैट यू केम हियर, यू गेव अस योर टाइम। सो गाइस, वी हैड एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद मिस्टर इस्फंदियार इनायत,
एंड आई वुड रियली आस्क यू ऑल एंड इंसिस्ट टू डोनेट थ्रू TCF फाउंडेशन बिकॉज इट इज़ द हाई टाइम गाइज. We need your help and the people who are affected because recently we got to know that Indus Highway is completely flooded and the people living there, they need our help as much as possible. तो आप सब प्लीज़ जितना फ्लड के लिए डोनेट कर सकते हैं करें और TCF को भी हेल्प करें और उन लोगों की भी मदद करें जो अभी तक फंसे हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग रनवे पाकिस्तान.